Hello students, today in this video lecture we are going to discuss some case studies from the chapter of planning. Let us begin with the first case study. This is a case study from CBSE sample paper 2016. Let us see the question. Suhasini is a home science graduate from a reputed college. She wished to start her own venture with her goal to provide health food at reasonable price. She discussed her idea with her teacher mentor, who encouraged her. After analyzing various options for starting her business venture, they shortlisted the option to sell ready-made and ready-to-make vegetable shakes and sattu milkshakes. Then they both weighed the pros and cons of both the shortlisted options. Students, इस chapter में related topics आपको मैंने पिछले videos में बताए थे. अभी फिर से एक बार बताता हूं, हमारे सिलेबस में प्लानिंग के डेफिनेशन को पढ़ना है, फीचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस, यही हमारा सिलेबस है. बाकी जो पहले सिलेबस था या जो बुक आपके पास है उसमें जो सिलेबस दिया गया है जिसमें कि टाइप्स ऑफ प्लान्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो अभी डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा. तो इसका मतलब ये है कि जो भी केस स्टडीज हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं वो केस स्टडीज इन्हीं एरियाज यानी प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस, इन्हीं एरियाज से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके पास केस स्टडीज में आने वाले हैं. तो क्वेश्चन को एक बार जहां तक हम लोगों ने देखा उसको समझने की कोशिश करते हैं, जरा हम भी एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को. सुहासिनी एक होम साइंस की ग्रेजुएट है, एक अच्छे कॉलेज से उसने पढ़ाई की है. वो चाहती थी कि वो एक हेल्थ फूड के बिजनेस में आए, हेल्थ फूड की प्रोडक्शन को करे और फिर उस बिजनेस को शुरू करे. तो उसने अपना आइडिया जो है अपने मेंटर के साथ डिस्कस किया और उन्होंने जाहिर सी बात है उसको एनकरेज किया. तो फिर उनके गाइडेंस में हम दोनों ने मिलकर डिस्कस किया कि क्या हम लोगों को प्लान बनाना चाहिए. फिर कुछ बिजनेस के ऑप्शन शॉर्टलिस्ट किए गए. अब जो शॉर्टलिस्टेड ऑप्शन है वो यहां दिया गया है कि रेडी मेड और रेडी टू मेक, वेजिटेबल शेक और सत्तू मिल्क शेक की बात की गई. ये दो प्रोडक्ट को उन्होंने फाइनलाइज किया और उसके बाद फिर क्या है कि दोनों ने इसको कंपेयर करना शुरू किया कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं. तो ये तो हिस्सा एक कहानी जैसा है, केस स्टडी में यूजुअली ऐसा ही होता है, इसलिए कैरेक्टर का नाम भी दिया गया हुआ है. तो ये कहानी जैसा है. अब आइए यहां पर ये देखते हैं कि अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया आपसे, अभी सिर्फ कहानी बताई गई है और क्वेश्चन इसके आगे आने वाला है. तो केस स्टडीज में को सॉल्व करते हुए स्टूडेंट्स बिल्कुल पैनिक नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चंस देखने में बहुत लंबे लगेंगे आपको, तो आराम से उसको पढ़िए. ये याद रखिए कि सिलेबस से ही कुछ ना कुछ केस स्टडी पूछा जाने वाला है. तो आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इतनी कहानी सुनाने के बाद. क्वेश्चन है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बींग डिस्कस्ड अबव एंड गिव एनी वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. क्वेश्चन नंबर ए, तो आपसे ये कहा गया कि आप कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन यहां डिस्कस किया जा रहा है. तो सुहासिनी ने पढ़ाई की, पढ़ाई करके फिर एक बिजनेस को शुरू करने का उसने मन बनाया. उसके लिए उसने अपने मेंटर के साथ डिस्कशन शुरू किया और प्रोज एंड कॉन्स एक एक फाइनल शॉर्टलिस्ट हुआ, ऑप्शन सिलेक्ट किए गए. तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव डिफाइन हुआ, फिर अलग अलग ऑप्शंस लिखे गए, फिर शॉर्टलिस्टिंग की गई. तो ये सब किस प्रोसेस में होता है. तो ऑफकोर्स हम लोगों ने मैनेजमेंट फंक्शन प्लानिंग समझ लिया कि ये प्लानिंग फंक्शन में ही होता है क्योंकि ऐसे ही तो एक आइडिया आता है, फिर आइडिया बिजनेस शुरू करने का आया तो फिर ऑब्जेक्टिव्स गोल तय किया गया कि अच्छा हेल्थ फूड बनाना हमारा गोल, तो अब उसमें एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट बनाना है. तो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया गया, रेडी मेड एंड रेडी टू मेक, दो तरह के प्रोडक्ट दिए गए. तो आपका गोल भी डिफाइंड हो गया, ऑब्जेक्टिव भी डिफाइंड हो गया. अब आगे ये देखना था कि इसके इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या है और इससे आधारित अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहां कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन डिस्कस किया गया है. तो यहां पे प्लानिंग का मैनेजमेंट फंक्शन डिस्कस किया गया है एंड इसी में पूछा गया है कि गिव एनी वन, हालांकि एक्सप्लेन एनी वन हो सकता है क्वेश्चन में, तो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाएगा या ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है क्योंकि यहां एक सिर्फ मैनेजमेंट फंक्शन लिखना है
और साथ ही साथ आपको सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना है। ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस एनी थ्री लिमिटेशंस। अब ये थ्री लिमिटेशंस दिखाई देने के बाद फिर ये साफ साफ समझ आता है कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, 2 मार्क्स यहां के लिए और 3 मार्क्स यहां के लिए। तो ब्रीफली डिस्कस एनी थ्री लिमिटेशंस ऑफ द फंक्शन। तो यहां पे सिंपल है कि आपको एक तो केस को क्रैक करना है कि केस स्टडी मतलब क्या पूछा गया है। तो प्लानिंग का फंक्शन पूछा गया है क्योंकि आपको स्टेप्स दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि पहले आपने गोल डिफाइन कर लिया, फिर ऑब्जेक्टिव सेट किया, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव पहला प्रोसेस, फिर लिस्टिंग डाउन द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आफ्टर डेवलपिंग द प्रीमाइसेस। तो अजम्पशंस क्या लिए गए, ये लिए गए होंगे कि अच्छा शायद इस तरह के हेल्थ फूड में वेजिटेबल शेक नहीं है, तो ये अजम्पशंस लिए गए हैं। सत्तू मिल्क शेक नाम भी जो आपको पता चल रहा है कि थोड़ा सा लीक से हटके हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से हम लोगों ने इसको समझना है। ये प्लानिंग का प्रोसेस डिस्कस किया जा रहा था मैनेजमेंट फंक्शन, और प्लानिंग के मैनेजमेंट फंक्शन को डिस्कस किया गया, उसी के थ्री लिमिटेशंस को आपको लिखना है। अब थ्री लिमिटेशंस तो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही कवर किया है कि आप कोई भी थ्री लिमिटेशंस प्लानिंग का लिख सकते हैं। लेट अस सी केस स्टडी 2। इन दिस केस स्टडी this is the question. A company is manufacturing toys. The manager wants to increase the profits by purchasing new high-speed machines or increasing the sale price or using waste materials in manufacturing stuffed toys. He decided that using waste material is the best solution for him. Now there are 2 questions. Question number A, identify the concept of management involved. Question number B, mention the steps involved in the process of by quoting the lines from the question. Let us first understand this question. इसको समझ लेते हैं एक बार। एक खिलौने बनाने वाली कंपनी है, उसके मैनेजर ने एक ऑब्जेक्टिव लिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट बढ़ाने का। प्रॉफिट कितने समय में कितना बढ़ाना है ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया। जैसे एक होता है कि 3 महीने में 10% बढ़ाना है प्रॉफिट को, तो ये यहाँ पर टाइम फ्रेम टाइम लाइन यहाँ पर कुछ है नहीं, कोई बात नहीं है। तो उसने जो ये ऑब्जेक्टिव लिया तो उसने फिर डिसाइड किया कि उसके सामने क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, यानी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसके पास सामने जो ऑब्जेक्टिव्स थे ये क्वेश्चन में दिया, मतलब जो ऑप्शंस थे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कौन कौन से ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पे उसने विचार किया, एक तो ये था कि परचेजिंग हाई स्पीड मशीन, यानी प्रोडक्शन को तेज कर दिया जाए, हाई स्पीड मशीन खरीदी जाए, उससे तो इन्वेस्टमेंट होगा, या फिर इंक्रीजिंग द सेल प्राइस, या फिर खिलौने की कीमत जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कीमतें जो सेल प्राइस है उसको बढ़ा दिया जाए, या फिर यूजिंग वेस्ट मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग स्टफ टॉयज। इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को ही कम किया जाए, वेस्ट मटेरियल का जो है उसका इस्तेमाल करते हुए, जो फैक्ट्री में खिलौने बनाते हुए कुछ वेस्ट मटेरियल निकला करते होंगे उनको स्टफिंग के लिए यूज़ किया जाए और स्टफ टॉयज इस तरीके से बनाया जाए। उसने फिर सोचा कि यूजिंग वेस्ट मटेरियल इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर हिम, तो उसने अपने लिए इसी को बेस्ट सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किया। ये हो गई एक कंपनी के बिजनेस के ऑब्जेक्टिव तय करने की कहानी और कौन कौन से विकल्पों पर विचार किया गया ये। अब जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस ये हैं कि पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि मैनेजमेंट का यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तो अब क्लियर है कि मैनेजमेंट का प्लानिंग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पहले तय किया गया, फिर उसके बाद से स्टेप्स ऑल्टरनेटिव उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं ये उसके ऊपर विचार किया गया। तो ये प्लानिंग के प्रोसेस में तीसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, तो यहाँ ये तीसरा स्टेप फॉलो किया गया और यहाँ लिखा गया कि मेंशन द स्टेप्स। तो स्टेप्स तो हम कोटिंग लाइंस को कोट करते हुए स्टेप्स लिखना है कौन कौन सा। तो पहला लिखेंगे हम जब इसका आंसर लिखेंगे, ये तो पहले के जवाब में तो लिखेंगे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग हैज़ बीन यूज्ड हियर since the objective is being defined and the alternatives are also being selected after comparing the best one. तो ये तो हम लिखेंगे। दूसरा जो लिखेंगे quote करते हुए उसमें simply हम 3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि the objective has been set and how can we know it? We know it by this line and double inverted में answer लिखेंगे। The manager wants to, तो ये मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको।
So this is how you can write down the answer. The concept of planning has been applied in this case. That's the answer to the question number A. This is the answer. Question number A ka answer aap is tarike se likh sakte hain. The concept of planning has been applied in this case. Question number B ka answer aap likh sakte hain. The steps in the process of planning are as per the case are as follows. यहाँ पे लाइन कोट किया करना है आपको, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप लाइन कोट करेंगे. द मैनेजर वॉन्ट्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट, ये हमने लाइन कोट किया है क्वेश्चन से. एंड हियर इट इज़ द ऑब्जेक्टिव हैज़ बिन सेट बाय द मैनेजर. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग. एंड हियर अगेन वी कोट द लाइन, बाई यूजिंग हाई स्पीड मशीन और बाई इंक्रीजिंग सेल प्राइस और by using the waste material to stuff the toys. ये यहाँ हमने कोट नहीं किया जगह की कमी से, तो ये आपको कोट करना था, ये आपने कोट करना है. और कोट करने के बाद ये है सिलेक्शन ऑफ द राइट ऑल्टरनेटिव फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान. तो प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये इस तरीके से आपका ये केस स्टडी सॉल्व होता है और आप आंसर लिखते हैं. लेट अस सी केस स्टडी 3. दिस इज द क्वेश्चन. The production manager of a company received the complaint that the quality of the goods was not good. After investigation, it came to light that machines had become very old. That is why they were unable to achieve standardized quality. The production manager developed several options by way of solution to this problem. Example, getting the machines repaired, purchasing new local machines, purchasing new imported machines, taking machines on rent, etc. The CEO of the company wanted the list of options to be smaller so that a thorough study could be made for them. In order to make the list smaller, he decided to select the options under the investment of rupees 10 crores. Let us see the questions that follow this statement. And the questions that follow the paragraph are: identify the concept described in the para. Question number B, what do you understand from the maximum limit that was fixed on the options? So, identify करना है. अभी एक कंपनी है जिस कंपनी में कंप्लेन आती है, मैनेजर कंप्लेन आती है कि गुड्स के क्वालिटी जो है वो अच्छे नहीं है. तो मैनेजर उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है. इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको ये पता चलता है कि क्वालिटी गुड्स की अच्छी इसलिए निकल नहीं रही है क्योंकि जो मशीनें हैं प्रोडक्ट्स को बनाने वाली, वो मशीनें पुरानी हो चुकी हैं और वो स्टैंडर्डाइज जो प्रोडक्ट है वो बन नहीं पा रहा है. तो अब मैनेजर ऑप्शंस की लिस्ट तैयार करते हैं जो कि काफ़ी लंबी होती है, जैसे कि मशीनों की रिपेयरिंग करा लेना, लोकल मार्केट से मतलब सस्ती मशीनें खरीद लेना, अच्छी मशीनें इम्पोर्ट करा लेना, या फिर मशीनों को रेंट पर ले लेना अगर मिल जाए तो. और इस तरीके से वो एक लिस्ट तैयार करते हैं. ये लिस्ट जब सीईओ टॉप मैनेजमेंट के पास भेज जाती है तो सीईओ चाहते हैं कि लिस्ट छोटी हो ताकि लिमिटेड ऑप्शंस के ऊपर थॉरो थिंकिंग की जा सके और कंसिडरेशन किया जा सके कि कौन से ऑप्शंस सही रहेंगे. इसके लिए उन्होंने एक वहाँ पे कैप लगा दिया कि 10 करोड़ के ऊपर की जो ही कीमत आएगी वो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे. तो वैसे ही ऑप्शंस पे विचार किया जाए जिसमें 10 करोड़ से कम का खर्च आए. अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. तो कॉन्सेप्ट तो आप स्टूडेंट्स बिल्कुल अब तीसरी के स्टडी में हम लोग हैं तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे प्लानिंग के प्रोसेस के स्टेप्स लगाए गए हैं. पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया गया. इसमें ऑब्जेक्टिव क्या डिफाइन किया गया? ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है स्टैंडर्डाइज करना, अच्छी करना, जैसी होनी चाहिए वैसी करना. ये इस ऑब्जेक्टिव के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया था. नतीजा क्या निकल के आया? नतीजा ये निकल के आया कि मशीन की क्वालिटी ठीक करनी पड़ेगी, मशीन पुरानी हो चुकी है. उसके लिए जो ऑप्शंस सेलेक्ट किए गए वो ऑप्शंस लिस्ट लिखे गए. तो सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शंस, ये मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग के प्रोसेस में तीसरा स्टेप होता है. तो और यहाँ पे जो उन्होंने एक ये लगाया सीईओ ने कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको छोटा किया जाए. ये लिस्ट बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी लिस्ट है तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, इसलिए कम ऑप्शंस के ऊपर मतलब शॉर्ट लिस्टिंग की जाए कि सबसे अच्छे ऑप्शंस कौन से हैं.
तो उन्होंने एक 10 करोड़ रुपीस का वहाँ पे एक ये लगाया कि 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हम नहीं करने वाले। तो ये क्या किया उन्होंने, एक एजम्पशन दिया कि आप ये मान के चलिए कि हम 10 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हैं। जब भी हम लोग प्रमाइसेस डेवलप करते हैं, एजम्पशंस लेते हैं, तो दो चीज़ों के आधार पर लेते हैं। एक होता है पास्ट एक्सपीरियंस या इन्फॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस या इन्फॉर्मेशन, और दूसरा होता है करेंट प्लान। करेंट प्लान कि अभी वर्तमान में आपके प्लान क्या है। तो उन्होंने करेंट का एक प्लान दे दिया कि हमें करेंटली 10 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अब आप जो भी एजम्पशंस करें, यानी जो आगे के लिए प्लानिंग करें, जो जिन प्रमाइसेस के ऊपर हम लोग काम करेंगे, तो ऑप्शंस के ऊपर विचार करने के लिए उन्होंने ये एक दे दिया। तो यहाँ पे दूसरे स्टेप में जो पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द मैक्सिमम लिमिट दैट वाज फिक्स्ड ऑन द ऑप्शंस। ऑप्शंस के ऊपर जब भी कोई कंडीशन लगाई जाएगी तो वो समझिए कि प्रमाइसेस से जुड़ती है, क्योंकि जब भी आप प्लानिंग के प्रोसेस में बैठते हैं तो आप कुछ एज्यूम करके, कुछ एजम्पशंस लेके ही प्लानिंग करना शुरू करते हैं। तो वो एजम्पशंस जो हैं वो आधारित होते हैं आपके पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर, पास्ट इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है, और साथ साथ आपके पास करंट प्लान जो आपका मौजूदा प्लान है। मौजूदा प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बजट भी होता है कि आपने इस काम के लिए क्या बजट डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि आप एजम्पशंस कुछ भी कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर आपको बजटरी कंसिडरेशंस भी करने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल आउट ऑफ बजट कोई काम कर लें। तो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस केस। इस केस को हम लोगों ने देखा, आइए अगले केस को देखते हैं। लेट अस सी द फोर्थ केस स्टडी। एन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। इट्स कॉम्पिटिटर्स आर इंट्रोड्यूसिंग लोअर प्राइस मॉडल्स फॉर मास कंज्यूमर्स हु आर प्राइस सेंसिटिव। For quality-oriented consumers, these competitor companies are introducing new models with advanced technology. Now the questions are, prepare a business plan for this company. Identify the limitations of your business plan. How will you remove these limitations? So is question ko is case ko samajhna hamare liye aasan hai, lekin questions आपको एक बार के लिए चौंका सकते हैं। प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान फॉर दिस कंपनी। देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो कि डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, यानी पहले मार्केट में उसके प्रोडक्ट्स जो थे वो ज़्यादा सेल हो रहे थे, उनका शेयर ज़्यादा था। अब शेयर कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? इसलिए कम हो रहा है क्योंकि कॉम्पिटिटर कंपनीज ने लोअर प्राइस के मॉडल्स बाजार में उतार दिए हैं, जो कि प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को काफ़ी पसंद हैं। तो प्राइस सेंसिटिव जो भी कंज्यूमर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को ख़रीदने वाले, वो सस्ता प्रोडक्ट मिलने पे उसको ख़रीद लेते हैं। साथ ही साथ वैसे कंज्यूमर्स भी जो क्वालिटी ओरिएंटेड होते हैं, उनके लिए भी ये कॉम्पिटिटर कंपनीज काम कर रही हैं, और उनके लिए उन्होंने क्या किया है कि ऐसे मॉडल्स निकाले हैं जो नए हैं और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस्ड हैं। तो वैसे में अब इस कंपनी को क्या करना होगा, इस कंपनी का बिजनेस प्लान क्या होगा? सो लेट अस सी द सॉल्यूशंस। हम लोग सॉल्यूशंस देखें, वन बाय वन सॉल्यूशन देखते हैं। पहले बिजनेस प्लान क्या हो सकता है ये देखना है। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया था कि आप एक बिजनेस प्लान बनाएं इस कंपनी के लिए। सो हम लोगों ने आंसर लिखने की शुरुआत कैसे की है, यहाँ ये देखना स्टूडेंट्स ज़रूरी है। फॉलोइंग बिजनेस प्लान इज बीइंग प्रपोज्ड फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच इज स्ट्रगलिंग ड्यू टू द डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर। अब इस कंपनी के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा खुद ही लिख दिया ताकि इवेलुएट करने वाले जो भी टीचर होंगे उनको ये समझ में आ जाएगा कि किस कंपनी की बात हो रही। अब पहला स्टेप जो है प्लान में वो है सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। अब इस कंपनी का मार्केट शेयर निकल रहा है, तो स्टूडेंट्स जब भी आपके स्टडीज़ को सॉल्व करें तो अपने कॉमन सेंस जो आपको लगता है आप उसी को लिखिए, वो गलत नहीं होगा, क्योंकि केस स्टडीज़ का कोई सही या गलत जवाब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने कोई अलग जवाब लिख दिया तो वो गलत हो जाना है, और ये मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप प्लानिंग का अगर है तो आप ऑर्गेनाइजिंग का लिखेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। सो अगर आप मोर और लेस उस चीज़ के प्रिंसिपल को समझ रहे हैं कि प्लानिंग के प्रिंसिपल पे आधारित ये है,
तो आपने लिखना है जो आपको लगा। अब यहाँ पे जो आंसर्स मैंने प्रपोज किए हैं, जो प्लान मैंने बनाया है, ये मेरा अपना प्लान है। और आपसे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका ही पूछा गया कि यू प्लान इट। तो प्लान अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग होगा, अलग अलग इंडिविजुअल्स अलग अलग तरीके से प्लान प्रपोज करेंगे, सबके सोचने का तरीका अलग हो सकता है। मैंने जो सोचा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस कंपनी को प्रॉब्लम किस चीज़ से हुई है? कॉम्पिटिटर्स के नए प्रोडक्ट जो आ रहे हैं उनकी उनका मॉडल नया है और उनकी टेक्नोलॉजी भी एडवांस्ड है, इसलिए इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन ऑफ न्यू मॉडल्स विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर उनकी टेक्नोलॉजी नई है तो इनकी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मॉडल, नए मॉडल आएंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा? द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स शुड बी कॉम्पिटिटिव। उनके जो प्राइसेस हैं उससे थोड़ा कम होगा या उसके आसपास होगा या उसके बराबरी में होगा, तो आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पे ले आइए। आप फीचर्स भी ऐड करिए, नए प्रोडक्ट्स ले आइए। आपके ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए कि आप जो है कॉम्पिटिटिव प्राइस पे ले आइए और कंज्यूमर को लगे कि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं। ये उनका उनको ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट बनाना। फिर इस कंपनी का तीसरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये टारगेट करे दोनों ही तरह के कंज्यूमर्स को, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को भी और क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर्स को भी। अब यंगस्टर्स जितने भी होते हैं वो सब क्वालिटी कॉन्शियस होंगे, जितने भी मिड एज्ड कंज्यूमर्स होंगे वो प्राइस सेंसिटिव होंगे, ऐसा आम तौर पे होता है। तो उसमें दोनों को ही टारगेट करते हुए प्रोडक्ट्स बनाएं। ये तीन ऑब्जेक्ट, वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं लेकिन फिलहाल ये तीन ऑब्जेक्टिव्स ही हैं। चूंकि ये क्वेश्चन 5 या 6 मार्क्स में ही पूछा जाएगा तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लिखने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। अब ऐसा नहीं कि आपने बहुत लंबा चौड़ा कोई प्लान सजेस्ट करना है, हम 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वर्ड लिमिट को भी ध्यान में रखते हुए ही आंसर करना है, अदरवाइज़ हम लोग इसमें और भी बहुत कुछ लिख सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे शेयर करूँगा, इनको अपना डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और वो यहाँ लिखना भी चाहिए ऑब्जेक्टिव में। खैर ये सब बातों से मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करूँगा। तो कॉमन चीज़ें, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स केस स्टडी से ही निकाला है हमने, केस स्टडी के स्ट्रक्चर को समझिए और वहीं से आंसर निकलेगा। कॉम्पिटिटर ने नए मॉडल निकाले हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, तो इस कंपनी का बिजनेस प्लान में ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए। उनके प्राइसेस कम है तो इनके प्राइसेस भी कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, यानी कि उनके बराबर होने चाहिए। और इनका जो है प्राइस सेंसिटिव, ये भी हमने क्वेश्चन से ही निकाला है, प्राइस सेंसिटिव और क्वालिटी कॉन्शियस, ये केस स्टडी में दिया हुआ था, वहीं से ये तीनों ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने निकाल लिए हैं। दूसरा स्टेप क्या है? अब इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है? स्टूडेंट्स, दूसरे स्टेप में हम ऑप्शंस और इम्प्लीमेंटेशन की भी बात करेंगे। ऑप्शंस इनको ये सिलेक्ट करना होगा कि इनको एक R&D टीम बनानी होगी, अगर टीम है तो उसको और एम्पावर करना होगा। इनको बजट देना होगा ताकि इनोवेशन हो सके और उस तरह का प्रोडक्ट निकल सके जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये इनको दूसरे स्टेप में करना होगा। और तीसरे स्टेप में अब इनको प्रोडक्शन ही करना होगा। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि प्रोडक्ट को बनाना, ये प्रोडक्ट के वजह से ही इनको कंपटीशन मिल रहा है, तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सस्ते में बनाना, इसके लिए यही ऑप्शंस हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन अगर आप समझना और लिखना चाहें तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी एंड उसकी प्राइसेस, दोनों कैसी, क्वालिटी अच्छी हो और प्राइसेस लो हो, ये इनको करना पड़ेगा। तो ये इम्प्लीमेंटेशन में ही करना पड़ेगा कि जो भी रॉ मटेरियल, ये जहाँ से भी दे आर ब्रिंगिंग द रॉ मटेरियल और दे आर परचेजिंग द रॉ मटेरियल्स, नाउ व्हाट मे बी द रॉ मटेरियल्स, जो इन अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे तो ये बनाते नहीं हैं, तो ये असेंबल करते हैं, तो जिन किसी भी वेंडर से लेते हैं दे शुड फोकस। प्लास्टिक की जो क्वालिटी है, जो कैबिनेट्स वगैरह बनते हैं, ये सारे वेंडर्स जो हैं इनके सही प्राइसेस में दें, इसके लिए भी इनको काम करना पड़ेगा। तो ये इनके लिए दूसरा ऑप्शन है और ये मैं समझता हूँ कि इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 6 मार्क्स तो ये 2 पॉइंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा हैं और आप इन्हीं 2 पॉइंट्स को इसमें लिख सकते हैं, ये इनका बिजनेस प्लान हो सकता है। अब तीसरा, वैसे तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है बट दीज 2 पॉइंट्स आर सफिशियंट इनफ। आगे हम लोग बढ़ें तो इनके इस प्लान में, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ये लिमिटेशंस क्या हैं और आप किस तरीके से इनको रिमूव करेंगे।
तो लिमिटेशंस तो सिंपल सा ये है कि प्लानिंग के जो भी लिमिटेशंस होते हैं उनमें से दो तीन लिमिटेशंस, चार लिमिटेशंस आप यहाँ लिख सकते हैं। सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ 6 मार्क्स तो आप इस लिमिटेशन वाले सेक्शन में दो लिमिटेशंस लिखें और उसको एक्सप्लेन करें। यानी कि यहाँ पे एक लिमिटेशन लिख सकते हैं कि यहाँ R&D द कंपनी इज डूइंग R&D बट इट डजंट मीन दैट दे विल बी एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स विद द दिस प्लानिंग। तो ये ज़रूरी नहीं है कि R&D हो रही है तो इसके थ्रू उनको सक्सेस मिल ही जाएगी और वो मार्केट में अपना शेयर बढ़ा ही लेंगे। ये एक लिमिटेशन है। और दूसरा लिमिटेशन ये हो सकता है कि बाय द टाइम उन्होंने ये किया और कॉम्पिटिटर्स ने कुछ और प्रोडक्ट्स के कीमतें उसकी नीचे कर दी और कुछ और नए प्रोडक्ट्स ला दिए, तो इसको भी कहा नहीं जा सकता। तो ये दूसरी लिमिटेशन आप कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और तीसरा है कि हाउ कैन यू रिमूव। अब रिमूव करने का ये है कि द कंपनी शुड टेल देयर मैनेजर्स एंड द टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट टू कीप ऑन स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे बड़ा तो ये होगा कि आप कॉम्पिटिटर्स के पॉलिसीज़ को देखते रहें, उनके एक्शंस को देखते रहें, बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करते रहें, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बिल्कुल नज़र गड़ा के रखें। एक तो ये है। और दूसरा ये है कि यू ट्राई टू इंक्रीज द यू कैन से एफिशिएंसी ऑफ योर एम्प्लॉइज। तो इस कंपनी को भी उसकी भी बहुत ज़रूरत है, एफिशिएंसी को बढ़ाने की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जब डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर है तो ये लिमिटेशन डिसेंट्रलाइजेशन से भी हटेगा। पीपल शुड वर्क एज अ टीम, स्पिरिट डी कॉप्स की बात यहाँ की जा सकती है, ये लिमिटेशन उससे भी कम होगा। तो बहुत सारी बातें यहाँ लिखी जा सकती हैं स्टूडेंट्स इस केस स्टडी में, क्योंकि ये बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चंस पूछे गए। ये चार केस स्टडीज़ को हम लोगों ने इस आज के वीडियो में डिस्कस किया है और मेरा उद्देश्य ये है कि आप इसके माध्यम से आप सोचने का एक तरीका खुद से डेवलप करें, केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट लें और धीरे धीरे करके आप इसकी प्रैक्टिस करके आप इसके ऊपर कमांड डेवलप कर सकते हैं। हम लोगों ने आज चार केस स्टडीज़ को देखा है। हम लोग बाकी अपने क्लासेस में और भी जैसे जैसे अवसर मिलेंगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। प्लानिंग चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। हम लोग अब अगले चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग की तरफ बढ़ेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में।